दोस्तों आपने काफ़ी जगह पर ऐसा ग्रीन नेट लगा हुआ देखा होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में भी यह विचार आ रहा होगा कि ऐसा वाला ग्रीन नेट लगा लेते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है। कभी कभी आंधी तूफान में यह ग्रीन नेट जानलेवा भी हो सकता है। मैं आपको अवेयर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को मजाक में ना लिया जाए, यह रैंडम दोस्तों है। ग्रीन नेट जब भी लगाएं थोड़ा ध्यान से लगाएं, कहीं यह जैसे एंगल उड़ रही है ऐसे ना उड़ जाए। बहुत खतरनाक तरीके से ये एंगल उड़ रही थी। मैं रोड के उस तरफ से आया और मैंने देखा एंगल उड़ती जा रही है और काफ़ी भारी है, तो मैं अभी इसको हटाने वाला हूँ। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ एंगल को। लबली फोन पकड़, ये भी रखते थोड़ा ऐसे। अरे राम बोलिए जी। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं एंगल के पास गया तो एंगल मेरी तरफ आई, मेरा पैर फिसला, नीचे घास थी और मैं गिरा। गिरते ही मैं फटाफट उठा, वरना एंगल मुझे लग सकती थी। इस एंगल में एक सुराख है और सुराख में वाइंडिंग वायर से पर्दे को पूरी तरह से बांधा हुआ है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है किसी किसी परिस्थिति के लिए। तो आप जब भी ऐसे ग्रीन नेट लगाएं तो इसके लिए या तो पाइप का स्ट्रक्चर बनाएं या फिर इसको इकट्ठा करके आंधी तूफान में एक साइड में रख दें। जब आंधी तूफान का मौसम ख़त्म हो जाए तो इसको फिर से टांग दें। तो भाइयों मैंने एंगल को हटा दिया है, वरना ये किसी के भी लग सकती थी। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो एक बाइक वाला यहाँ पे रुका हुआ था और लेकिन इसको फिलहाल मैंने हटा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब भी ऐसे ग्रीन नेट लगाएं या तो पाइप का स्ट्रक्चर बना के उस पर इस ग्रीन नेट को इंस्टॉल करें ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर आप रस्सियों से बांध रहे हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि जब भी आंधी तूफान आए तो इसको आपको खोल के हटाना पड़ेगा ताकि। मेरा नाम है मुरली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप ऐसा ग्रीन नेट लगवाएं या तो इसके लिए पाइप का स्ट्रक्चर बनवाएं जैसा मैंने नीचे आपको दिखा रखा है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ये नेट उड़ जाता है और किसी बाइक वाले के सामने आ जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रैंडम वीडियो बना हुआ है, पहले से कोई प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का। वैसे भी बारिश और आंधी तूफान बहुत तेज था, आप देख सकते हैं वाइंडिंग वायर से पूरा शेड पीछे की साइड से ग्रीन नेट पूरा बंधा हुआ है और आगे से उड़ रहा है। अगर एक साइड और खोल दिया जाए तो ये आराम से एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे जो ड्रामे कर रहा है ये नहीं करेगा। तो इससे बचने का यही एक तरीका है, जब भी आंधी तूफान आए आप इसको खोल के एक जगह रख दें।